तो कोविड का डर है जया, और तैयारियां भी पूरी हैं और उत्साह भी है। इसी बीच क्या चल रही हैं ग्राउंड पर एक्टिविटीज, कितनी तैयारियां, ये भी जानते हैं। बिल्कुल, और रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि कल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, तमाम हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ओंकारेश्वर मंदिर की तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन तैयारियों को लेकर बात करें तो प्रशासनिक अमला कितना तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए कल से विधिवत तौर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले माँ गंगोत्री और उसके बाद यमुनोत्री कपाट कल अक्षय तृतीया के दिन खुलने हैं, और ऐसे में जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड में लगातार अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिकॉर्ड श्रद्धालु इस बार पहुंचेंगे। प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियां हैं, और अगर हम बात करें तो लगातार इन जो चार धाम है उसमें पूरी व्यवस्थाएं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, विद्युत की व्यवस्था हो, सड़कों को दुरुस्त करने की बात हो, इन तमाम मसलों पर जो है लगातार काम किया भी जा रहा है, उनको अंतिम रूप अब दे दिया गया है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि माँ गंगोत्री धाम के लिए आज मुखवा, जो कि उनका मायका कहा जाता है, वहां से 12:15 बजे उनकी उत्सव डोली रवाना हो जाएगी, और आज रात को भैरव मंदिर में उत्सव डोली रुकेगी, जहां से कल सुबह माँ गंगोत्री के लिए उत्सव डोली रवाना होगी, और कल 11:15 पर सबसे पहले चार धामों में माँ गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे, और उसके साथ ही 12:15 पर माँ यमुनोत्री के कपाट भी कल खुल जाएंगे। ऐसे में कल से यानी कि विधिवत तौर से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अभी तक अगर हम बात करें जो श्रद्धालु हैं उनका पहुंचना उत्तराखंड में शुरू हो गया है, और आज भगवान केदारनाथ जी की बात करें तो उनके लिए, लेकिन रवि श्रद्धालुओं के लिए संख्या भी निर्धारित की गई है कि एक दिन में कितने यात्री दर्शन कर सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, जिसको लेकर अब तीर्थ पुरोहित नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो क्या तर्क है इस पर उनका? जी, देखिए जैसे ही कल सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि बद्रीनाथ जी के लिए 15,000, केदारनाथ जी के लिए 12,000, और यमुनोत्री गंगोत्री के लिए 7,000 और 4,000 की संख्या निर्धारित की गई, तो चाहे तीर्थ पुरोहित हो या व्यापारी हो, उनका विरोध प्रदर्शन कल देखने को मिला है, और अभी भी वो नाराज हैं क्योंकि 2 साल तक कोविड की वजह से यात्रा पूरी तरीके से बाधित रही है। ऐसे में व्यापारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, तमाम लोगों की बड़ी आशाएं हैं इस बार कि जो रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचेंगे उनसे चाहे आजीविका की बात करें, इन तमाम चीजों पर जो 2 साल का जो नुकसान रहा वो उसकी भरपाई हो सकेगी। ऐसे में जो सीमित संख्या है उसको लेकर नाराजगी जताई है, हालांकि सरकार का ये पहले जो 45 दिन है उसको लेकर इन्होंने सरकार ने व्यवस्था बनाई है, और सिर्फ कोविड की वजह से ही नहीं बल्कि चार धामों में जो यात्रियों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो वहां पर रुकने की व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, विद्युत की व्यवस्थाएं और क्राउड को मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इन तमाम चीजों के मसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि तीर्थ पुरोहित और व्यापारियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है, ऐसे में सरकार आगे क्या निर्णय लेती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पहले 45 दिन के लिए सरकार की ये व्यवस्थाएं सिर्फ कोविड को लेकर नहीं है बल्कि तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनजर रखते हुए इन व्यवस्थाओं को किया गया है। जी।